इसी विधानसभा के अंदर जब ये 16% मराठा भाइयों का और मुस्लिम का 5% जब यहाँ पर पास हुआ था अध्यक्ष महोदय, उसके बाद कुछ लोग कोर्ट में गए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, ये जो है इनवैलिड है, ये कानून में बैठता नहीं। अध्यक्ष महोदय उस पर बहस हुई, यहाँ कोई धर्म के नाम पर मांग ही नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय जब जब वहां बहस हुई, दोनों तरफ के वकीलों में बहस हुई, जब जज साहब ने फैसला किया तो जज साहब पढ़े लिखे ऐसा नहीं कि जज को नहीं मालूम कानून क्या है, क्या कानून बैठता है, उनका 5% मुसलमानों के एजुकेशन में तुरंत दे देना चाहिए। उसके बाद बार बार ये बात कही जा रही है कि धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर मांग कौन रहा है? अरे भाई जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्होंने कहा है। अध्यक्ष महोदय इसके पहले सरकारों ने कई एक कमीशन बिठाया, एक जो है रंगनाथ मिश्रा कमीशन बैठा, एक महाराष्ट्र सरकार ने एक महमूदुर रहमान कमीशन बिठाया, दिल्ली में एक कमीशन बिठाया गया। अध्यक्ष महोदय इन सब कमीशन ने कहा कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देना चाहिए धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि 50 जातियां जो पिछड़ी जातियां उसके नाम पर। अध्यक्ष मेरा कहना है कि मैं 16% मराठा भाइयों को रिजर्वेशन को पूरा का पूरा सपोर्ट करते हुए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे 5% को भी आप जो है ना उसको सपोर्ट करिए। अध्यक्ष महोदय मेरा कहना है कि जब तक कानूनी दाव पेच खत्म नहीं होता उस वक्त तक सरकार तीन लोगों की कमेटी बना दे और मुसलमानों के जो सचर कमेटी जितनी कमेटियां बनी, रंगनाथ मिश्रा महमूद रहमान कमेटी, उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया है उस पर बात करके और ये हल निकाले उसको, जब तक ये रिजर्वेशन पास नहीं होता उस वक्त उनको पिछले दरवाजे से जो मदद मिले वो कर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ये हमारी मांग है। अध्यक्ष महोदय यहाँ ये है 1947 में जब ये देश, उसके पहले जब लड़ाई हो रही थी अंग्रेजों सर तो हिंदू और मुसलमान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमें अफसोस है उस वक्त हिंदू और मुस्लिम भाई भाई की तरह थे, लेकिन अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत इस देश को दो टुकड़े कर दिया और हम हिंदू मुसलमानों को अलग कर दिया। अध्यक्ष महोदय ये एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था, दूध की नदियां बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था, वो नफरत की दीवार गिरा दो ये आवाज हमारी है, देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है। अध्यक्ष महोदय जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मुसलमान अपने सामान को पोटलियां बना बनाकर अपने सरों पर रखकर पाकिस्तान की तरफ रवाना दवा था, लेकिन उस वक्त अध्यक्ष महोदय दिल्ली की जामा मस्जिद के मीनारों से खड़े होकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल साहब ने, सब ने कहा कि जो तुम हिजरत के नाम पर अपना मुल्क छोड़कर मत जाओ, तुम्हें कसम है तुम्हारे खुदा की तुम्हारे नबी की, रुक जाओ, देख के हिजरत आसमान और धरती धरती थर्राई थी, आओ देखो कुतुब मीनार की आंखें भी भर आई थी, दिल में खौफ कहां से आया, क्या तुम्हें शहादत याद नहीं है, आओ हमारे साथ रहो, हम तुम्हें हक देंगे, कोई इमदाद नहीं। आज हमें हक कहां मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, कोई इतने लोग बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, मुझे मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं 5% का सपोर्ट बहुत कम लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय 5% मिलना चाहिए, अध्यक्ष महोदय क्या गलती हमारी क्या है इसमें? अध्यक्ष मैं थोड़ा सा, अध्यक्ष महोदय मैं ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ, अगर एक तरफ मोहम्मद अली जीना थे तो दूसरी तरफ गांधी जी थे, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू थे, और सबसे बड़ी बात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्यों उन्होंने कर दिया? गांधी जी ने कहा कि मेरी लाश पर हिंदुस्तान पाकिस्तान बनेगा, बन गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था उस वक्त सर कि मैं मेरी लाश पर हिंदुस्तान पाकिस्तान बनेगा, उनसे उन्होंने कहा अगर आसमान से कोई फरिश्ता उतर कर आ जाए, कोई देवता उतर कर आ जाए, ये कहे कि मैं आपको एक दिन में हिंदुस्तान की आजादी दे दूंगा, लेकिन इस आजादी के बदले में हिंदू और मुस्लिम की एकता को आसमान पर लेकर चला जाऊंगा। सर आप सुनिए, उस वक्त मौलाना ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान की आजादी थोड़े दिन के बाद ले लेंगे, लेकिन हम हिंदू अगर आजादी देर में मिलेगी तो देश का नुकसान होगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम की एकता चली जाएगी तो इंसानियत का नुकसान होगा। ये हमारा किरदार रहा सर इस देश के अंदर। लेकिन आज सर आज क्या हो रहा है देश में? आज देश में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। आओ तय करें हम लोग इंसानियत को अपने पास हमें रखना है, इंसानियत को खत्म नहीं करना है। अध्यक्ष महोदय मैं बताऊं आपको, अध्यक्ष महोदय जहां सियासत जहां राजनीति सियासत मजहबी मसलों को धार्मिक मसलों को देश को शांत करे वो देश महान होता है, जहां सियासत धार्मिक मसलों को शांत करे वो देश महान होता है, और समय और जहां सियासत खुद धार्मिक मसलों को पैदा करे समझ लो देश गलत लोगों के हाथ में है। ये मैं नहीं, ये किंग मार्टिन लूथर ने कहा था अध्यक्ष महोदय। इस देश में इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वो नारा देने वाले का नाम हसरत मुहानी मुसलमान। एक मिनट सर लास्ट बोल रहा हूं सर। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? नारा देने वाले का नाम है यूसुफ मेहर अली। अध्यक्ष महोदय जय हिंद का नारा किसने दिया? नाम देने का नाम है आबिद अली साफरानी। मादरे वतन जिंदाबाद का नारा किसने दिया?
1857 में अध्यक्ष महोदय अजीमुल्ला खान ने दिया। तिरंगा जो आज है उसका रंग किसने दिया? सुरैया तैयब ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। 1991 में नहीं 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी ने दिया। क्यों हमें गद्दार कहते हो? हमने कौन सी गलती किया? हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद का है। आज क्या हो रहा है सर? जब खेल तो कहीं कुछ कोई एजिटेशन होता है तो एक आदमी आता है अंदर, समाजवादी पार्टी की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के भाग जाता है। मीडिया में चारों तरफ कि समाजवादी पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलती है। अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद पकड़ा जाता है बीजेपी का आदमी और उसके बाद केस होता है, उसने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्या है सर देश में? ये सातपुते साहब, अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य अबू आजमी जी ज्या पद्धतीने बोलतायत खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी त्यांचा विषय मांडावा त्यांनी, परंतु समाजवादी पार्टीच्या याच्यामध्ये कोणीतरी त्यांच्या लोकांनी पाकिस्तान जिंदाबादचा घोषणा दिल्या आणि त्याचा भाजपच्या नावाने शिक्का मारायचा, याच्या अगोदर यांनी स्वतःची भाषा नीट चेक करावी। अध्यक्ष महोदय आपण चालणार नाही, अध्यक्ष महोदय देशचे गद्दार आहेत, आम्ही गद्दार म्हणणार, तपासून घेऊ, अध्यक्ष महोदय तपासून घेऊ, तपासून घेऊ, रेकॉर्ड तपासून घेऊ, अध्यक्ष महोदय।